आईबीएन 7 की खास पेशकश मुद्दा में मैं संदीप चौधरी आपसे मुखातिब हूं। राजधानी दिल्ली में हूं और बात करूंगा राजनीति की। आजकल हमारे यहां पर एक ऐसा दौर चल पड़ा है, आरोपों की राजनीति हावी होती जा रही है। अब आप कहेंगे कि भाई राजनीति बिना आरोपों की क्या, तो राजनीतिक दल तो एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे ही, लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक फर्क हो गया है। आजकल आरोप लगाओ और भाग जाओ, यह हिट एंड रन राजनीति हावी होती जा रही है और कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत की है इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने, अरविंद केजरीवाल ने। वाड्रा पर आरोप लगाए, आगे चल पड़े। गडकरी पर निशाना साधा, आगे चल पड़े। रिलायंस को निशाना बनाया, आगे चल पड़े, लेकिन उसे अंजाम तक नहीं पहुंचाने की कहीं कोशिश दिखती है। लेकिन सवाल जो वो उठा रहे हैं वो सवाल अहम है। जिन लोगों पर वो निशाना लगा रहे हैं, किसी में इतना दम नहीं दिखाई देता था कि इन लोगों को भी निशाने पर लिया जाए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन आरोपों की राजनीति, इस हिट एंड रन राजनीति के जरिए भारतीय व्यवस्था जो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था, वो मजबूत हो रही है या दरअसल ये चरमरा रही है। यही है आज का मुद्दा और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अहम सदस्य डॉक्टर कुमार विश्वास, मेरे साथ हैं बीजेपी के युवा चेहरा सिद्धार्थनाथ सिंह, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं और इनको कुछ हमसे दिक्कत हो सकती है मीडिया वालों से, ये कहेंगे कि मैं आरोप लगाता हूं। ये लगातार आरोप लगाते हैं, अब इनके निशाने पर, ताजा निशाने पर खुद कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके महासचिव राहुल गांधी हैं और ये कहेंगे मैं तो अंजाम तक ले जा रहा हूं लेकिन मुझे पूरी कवरेज नहीं देते हैं आप लोग। मेरे साथ हैं कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह और इसके अलावा लखनऊ से जुड़ेंगे संदीप पांडे, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। डॉक्टर विश्वास, हिट एंड रन एक्सीडेंट्स तो होते सुने थे हमने, ये हिट एंड रन राजनीति शुरू कर दी है क्या? संदीप जी, तीन बातें। एक तो ये बात आती है कि भाई ये तो पहले से था, आपने क्यों नहीं बताया। ये ऐसे हो गया कि कोई आदमी लंगड़ा के चलता है, उसको हम बताएं कि आपको पोलियो है तो बोले मैं तो पहले से लंगड़ा के चल रहा था, तुमने बता दिया तो क्या नया कर दिया। हमने बात कही कई बार, अक्सर हमसे लोग कहते हैं कि स्वामी जी भी उठा रहे थे, ऐसा कैसे हो गया, मीडिया कवरेज हो गया। ये सब क्रेडिबिलिटी के मैटर्स हैं और ये सब समय संयोग का मैटर है कि कब क्या उठाया गया। अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास या हम सब लोग, आप एक केस उठाते हैं, आप एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं, छह महीने बाद आप उसे फॉलो करते हैं क्या? आप उसके लिए मुकदमा डालते हैं? लगातार फॉलो करते हैं। मैं बता रहा हूं कैसे फॉलो करते हैं। हम यही फॉलो करते हैं कि बिजली को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, आज 7 से 8 दिल्ली में बिजली बंद रही। लेकिन ना तो हम प्रधानमंत्री हैं, ना हम सीबीआई के डायरेक्टर जनरल हैं, ना हम इस देश का न्याय को वो है, न्यायालय है। डॉक्टर स्वामी कहेंगे न्यायालय में जाना चाहिए, हो सकता है उनका ऐसा मानना हो, एक्टिविस्ट होने के नाते मेरा मानना ऐसा है नहीं, कि जो न्यायालय 24 साल बन गए, एक राजनीतिक दल भी बन, तो राजनीतिक दल होते के नाते मेरा मानना है कि जब 24 साल वीरभद्र सिंह उसी न्यायालय की आड़ लिए हुए, एक मुकदमे में के बाद मुख्यमंत्री भी बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी बनते हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया की लंबाई का फायदा उठाकर ये लोग फायदा उठाना चाहते हैं। यानी कि आप आरोप लगाएंगे लेकिन अंजाम तक नहीं जाए ना। हमने बैसाखी का आरोप सिद्ध किया, उसके बाद हम उनके घर फर्रुखाबाद गए और हम 14 तक जाते रहेंगे। अंतिम लोग कौन है? क्या इस देश में कोर्ट राज्य है कि लोक राज्य है? अंतिम बॉल होती है लोक, मतलब के कोर्ट के कोई मायने नहीं, नहीं है, निश्चित रूप से है, लेकिन न्याय प्रक्रिया के टीडियस और बहुत लंबा होने का फायदा उठाकर हमारे राजनेता इस व्यवस्था का शोषण करते रहते हैं। तो जनता के पास खुलासा किया है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, बताया कि भाई 90 करोड़ का आपने अनसिक्योर्ड लोन दे दिया, ये नहीं दे सकता है कोई भी राजनीतिक दल। तो बाकायदा इन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, आज ये गए चुनाव आयोग में, वहां पर कि भाई आपके संज्ञान में भी रहे एक राजनीतिक दल ये काम कर रहा है, इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब नहीं आता। आप वो कार्रवाई, वो प्रक्रिया फॉलो करने के लिए तैयार क्यों नहीं? सुब्रमण्यम स्वामी कहां जाएंगे ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन जो प्रधानमंत्री देश के सामने 13 दिन के अनशन के बाद एक वायदा करे और बाद में झूठ बोल जाए, मुकर जाए, उस प्रधानमंत्री के पास मैं क्यों जाऊंगा? आप पूरी व्यवस्था को धता बता रहे? बिल्कुल नहीं, मैं उस व्यवस्था की उन खामियों को कह रहा हूं जो आपस में मिलने के कारण। नहीं, आप आरोप लगाएंगे लेकिन आरोपों को अंजाम तक नहीं ले जाएंगे। कहां अंजाम था? हम 14 में अंजाम में पहुंचाएंगे। 14 में इस देश में आम आदमी की सरकार आई तो 1 महीने के अंदर ऐसे कानून बनेंगे कैसे भ्रष्टाचार। मतलब अदालत के कोई मायने नहीं आपकी नजरों में, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के कोई मायने नहीं, केंद्रीय सरकार के कोई मायने नहीं, केंद्रीय सरकार आप अराजकता की बात कर रहे हैं। बिल्कुल अराजकता की बात नहीं कर रहे, सीबीआई और केंद्र सरकार इन दोनों का हम कोई मायना नहीं रखते, इस देश की न्यायालयों पर मायना रखते हैं, लेकिन इस देश के न्यायालय इतने लंबे हैं, उसमें इतनी सुविधा है कि वीरभद्र सिंह 24 साल तक रहते हैं, सुखराम 20-25 साल तक रहते हैं और इन सबके, जिनके मुकदमे उठा रहे सबके खिलाफ याचिकाएं पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं किसी कोर्ट में पड़ी हुई है, लेकिन वो इतनी लंबाई में चली जाती है कि उसका फायदा। अच्छा, जैसे ही आप आरोप लगाएंगे और न्यायालय में जाएंगे,
वो आपके चैनल पर आकर कहेंगे मामला सब जुडिस है, न्यायालय के अंदर है, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, और इस एक ढाल को लेकर वो इस पूरे देश को लूटते रहेंगे। तो हम अदालत में जाएंगे, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे और वहां इस खोखो को और 2020 को खत्म कराएंगे। लेकिन इनके आरोपों में भी कुछ दम दिखता है अखिलेश प्रताप जी, वाड्रा पर आरोप लगते हैं, अब सोनिया गांधी के दामाद हैं, तो पूरी की पूरी केंद्रीय कैबिनेट आ जाती है उनके बचाव में कि नहीं नहीं कुछ गलत नहीं हुआ, हमने जांच कर ली है, 24 घंटे में जांच भी कर दी वीरप्पा मोइली साहब ने, कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्टर ने, कि नहीं नहीं कुछ भी गलत नहीं है। तो इनके आरोपों में क्या आपको दम लगता है कि भाई ऐसे लोगों के साथ जाकर सर क्यों फोड़े, कुछ नहीं निकलने वाला? आरोप क्या था जी? आरोप क्या था? आरोप ये कि 50 लाख रुपए की आप बेसिक सीड कैपिटल से आपने 500 करोड़ तक के सौदे कर लिए। 500 में जो आरोप इन्होंने लगाए थे उन्होंने 300 करोड़ बताए थे। नहीं, 500 की अब मार्केट वैल्यू हो गई। कौन से कानून का उल्लंघन किया था? उल्लंघन इस बाबत, इस बाबत में चलिए इनसे भी मैंने पूछा था कि किस कानून का। एक आरोप का जवाब दे दे। एक मिनट आप बोले तो मैं नहीं बोला। एक मिनट, एक आरोप मैं बता रहा हूँ, एक आरोप का जवाब दे दीजिए। एक मिनट, दो आरोप का जवाब दे दीजिए। परेशान मत होइए, दो छोटे छोटे। मैं परेशान नहीं हूँ। 7.5 करोड़ रुपए बैंक से लेना बताया रॉबर्ट वाड्रा ने, बैंक ने मना कर दिया कि हमने दिया ही नहीं। आप बता दीजिए आए कहां से 7.5 करोड़? मेरी जेब में तो 7.5 रुपए नहीं आते थे, उनके पास कहां से आ गए? आप चुप रहे, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट जाइए ना, बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। दो आरोप बता दीजिए, बस आप बोले तो संदीप जी, संदीप जी अखिलेश अपनी बात कहिए जी। ये जब एनएसी में लोकपाल का बिल तैयार हो रहा था, नहीं रॉबर्ट वाड्रा की बात, अभी इनके कहानी, इन्होंने बड़ी लंबी कहानी सुनाई है, इन्होंने बड़ी लंबी कहानी। रॉबर्ट वाड्रा जी पे जो आरोप इन लोगों ने लगाया था कि उसमें कानून का उल्लंघन कहां हुआ? अगर उन्होंने 50 करोड़ दिए, वो बता रहे कानून का उल्लंघन क्या हुआ? अगर नहीं, कानून का उल्लंघन अगर हुआ है जैसा एक कह रहे हैं, कंप्लेंट करें। किसको रोका? किसने किसको कंप्लेंट? यही देखिए, एक मिनट आप बोलने का, एक मिनट आप बीच में ना बोले, बीच में बोला हमने, बोलने ना बीच में बोला था। नहीं, किसको? नहीं, एक मिनट, एक मिनट, नाम बताइए। इनको तो ओबामा को कंप्लेंट, अरे रुको ना, आप ओबामा को बोलते, इनको इनको न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, इनको न्यायपालिका में विश्वास नहीं है। ये कहते हैं कि न्यायालय भ्रष्ट है। किसने कहा? एक बार बताइए, न्यायालय आप झूठ बोल रहे हैं या आप बताइए ना? मैं डिस्टर्ब नहीं करता, मैं आपको कानून बता रहा हूँ। आप, मैं बड़ा सीजेंटली बात करता हूँ, आप पर उत्तर नहीं है, मुझे कहिए नहीं है। मैं बहुत इस, मैं बहुत अराजकता नहीं करता हूँ, सुन लें जी। ये कह रहे हैं अभी इन्होंने कहा कि न्यायपालिका में चीजें पेंडिंग पड़ जाती हैं जी, वो तो सच्चाई है, सच्चाई है, सच्चाई है। लेकिन इसी न्यायपालिका से पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री जेलों में गए, तत्काल में गए। बोलिएगा ना प्लीज, मैं जब बोलता हूँ तो बोले ना, नहीं तो मैं भी बोला तो फिर डिस्टर्ब करने से पहले बात करिए ना, बात करिए, बात करिए, कर दिए बात करिए। फिर ये खुद बोलते हैं कि लोकसभा दलालों की स्थान है, वो सारे एमपी क्रिमिनल हैं। मैं रॉबर्ट वाड्रा की बोलते हैं, माफी से कहना, मैंने सीधा बोल दिया ना, रॉबर्ट वाड्रा पर जाए ना, जिसको जहां कंप्लेंट करनी, मतलब 24 घंटे में सरकार ने पता लगा लिया। 24 घंटे में एक मिनट उसका जवाब नहीं दिए आपने, एक बात के जवाब नहीं दिए। बड़ी देर तक कहेंगे, फंसी हुई आप कहेंगे आगे ले चलते, लंबी जांच चल रही है, अभी लंबी जांच पे इतना घंटा भाषण दिया, छोड़िए। और जांच छोटी हो गई तो कह देंगे कि क्यों इतनी जल्दी जांच? चलिए सिद्धार्थ कुछ कहना चाहिए, एक मिनट डॉक्टर विश्वास, एक मिनट सूट करे जी, नहीं सिद्धार्थ सूट करे वो हमारे लिए। अब मैं बड़े अदब से कुछ प्रश्न सामने रखता हूं कि तू तू मैं में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आपके रॉबर्ट वाड्रा की बैलेंस शीट जाती है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि हमने 7.5 करोड़ का कॉरपोरेशन बैंक से लोन लिया या ओवरड्राफ्ट लिया। कॉरपोरेशन बैंक के चेयरमैन खुद आते हैं मीडिया के सामने, वो कहते हैं कि हमने ना ओवरड्राफ्ट दिया ना लोन दिया। अब वो 7.5 करोड़ कहीं आपकी बैलेंस शीट है कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर, आप कंप्लेन कर दीजिए। अरे भैया एक सेकंड रुक जाइए ना, कंप्लेन करने की बात भी कर रहा हूं। कंप्लेन कर दीजिए। आपका वो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर क्या कहता है? मोली साहब कहते हैं मैंने जांच कर ली, उसमें कुछ है ही नहीं, तो किसको कंप्लेन कर ले अब जाकर? अरे कोर्ट में कर दीजिए, आएगा वो समय आएगा, कर दीजिए। दूसरा सवाल, वो 7 फ्लैट खरीदते हैं, एक खरीदते हैं मैग्नोलिया में, एक अरालिया में लेते हैं, 7 लेते हैं मैग्नोलिया में। अरालिया में फ्लैट की कीमत 10 करोड़ रुपए, 10,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से,
ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए, अब आप मुझसे पूछ रहे थे तो मैं आपको बता देता हूं। और वो दिखाते हैं कि 89 लाख रुपए में दे दिया गया, मुझे दे देगा डीएलएफ 89 लाख रुपए में? 5 करोड़ के फ्लैट 7 वो खरीद लेते हैं जिनकी दरअसल वैल्यू जो आम आदमियों को दिए गए वो 35 करोड़ में मिलते हैं। अगर मैं 7 खरीदता, रॉबर्ट वाड्रा को 5 करोड़ में मिल जाते हैं, मुझे दे देंगे डीएलएफ वाले? मैं बहस छोड़ना चाहता हूँ, सलमान को कितने में लिया? कितने में लिया हमें नहीं पता कि आप अच्छा प्रॉपर्टी का भी काम जानते हैं जी, जो अभी आप मैं पत्रकार हूं इसलिए काम जानता हूं, पूरे देश की जनता जानती है। पत्रकार हमें नहीं पता और ना हमें वहां का रेट पता, ना हमें वहां का रेट पता है। भैया अगर आप बता रहे हैं तो एक पेपर पे भी कंप्लेंट होती है, हम भेज दें, बस कंप्लेंट कर दीजिए। नहीं नहीं देखिए देखिए नहीं सवाल यहाँ पर ये उठा था कि आप तमाम मंत्री कह रहे हैं कि कोई भी कुछ भी गड़बड़ झाला नहीं हुआ, जब सारे मिनिस्टर देखिए मिनिस्टरों के बोलने के बाद भी, लोगों के बोलने के बाद भी जब लोगों को कोर्ट ने नापा, कोर्ट ने सख्त हिदायत दी, चार्जशीट किया, जेल में भेजा, यहाँ कानून का राज है, किसी को भी अगर किसी बात पे आपत्ति है। देखिए आज रॉबर्ट वाड्रा जी क्यों हिट किए जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़े परिवार के दामाद। कोई व्यक्ति अगर उस व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को बेमानी करनी हो, 50 और रास्ते हैं, आप तो कोई मेहनत वर्मा वाली बात करने लगे, कोई मेहनत करके 70 लाख नहीं नहीं, कोई मेहनत करके ईमानदारी से करनी नहीं, सुनिए, कोई मेहनत करके ईमानदारी से कहीं आज कमा रहा है, और अगर वो बड़े जगह से रिलेशन रखता है आज ये फैशन बन गया है, उसको टारगेट करो, नहीं उसको टारगेट करो, लेकिन दूसरे लोग कितने खुश रहेंगे, क्या क्या कर ले रहे हैं, चाइना कॉम्पीट कर देंगे, सिर्फ इस मॉडल में जो अखिलेश जी कह रहे हैं, दामाद जी के मॉडल पे टारगेट किसी ने किया था कि कोई बड़े परिवार से है, वो बिजनेस कर रहा है, ईमानदारी से बिजनेस कर रहा है, कहीं कोई कमी खराबी नहीं है, लेकिन उसे टारगेट करना है, उसकी इमेज खराब करनी है, जिस परिवार से रिलेटेड है उस पर लांछन लगाना है, ये फैशन बनता जा रहा है। क्या इनकी बातों में ये सच्चाई है कि बड़े आदमियों पर निशाना साधो, कोई भी आरोप लगा दो, उनमें सच्चाई हो या नहीं हो, आरोप लगाओ, भाग जाओ, लोग तालियां बजाएंगे कि देखो अरे बड़े आदमी पर इन्होंने तो उंगली उठा दी, क्या ये राजनीति हो रही है? देखिए सवाल है सिद्धांत का। अब मेरा जो सिद्धांत है उसमें यह है कि हमारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और इसको सुधारना है। जो ढांचाएं बनी है, जो संस्थाएं बनी है, संविधान है, उस सब में शक्ति है, परंतु उसको प्रयोग करने में कई अड़चन है, उसको सुधारने के लिए हमें प्रयास करते करते उसको सुधारना चाहिए। मैं जो जानता हूं, मुझे प्रशांत भूषण तो बहुत अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मैं उनके साथ ही बैठता हूं कोर्ट में जब ये 2G मामला आता है, और जो मैंने बातें सुनी है उनके IAC के दूसरे लोगों का, वो कहते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आज की व्यवस्था को जितना वो बुरा दिखा सकते हैं वो उनकी प्रयास है। ये सिद्धांतिक बात है जिसमें मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं, मेरा सिद्धांत उनसे फर्क है, इतना ही है। मैं ये समझता हूं कि आज लोकतंत्र में जो हमारी संस्थाएं, इससे अच्छी संस्थाएं आपको मिल नहीं सकती, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ है, इसको कैसे हम क्रियान्वित करने में सफल हो, उसके लिए क्या सुधार लाना चाहिए, ये व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं क्या आपकी नजर में? ये बिल्कुल इनका सिद्धांत वो है। देखिए लोकसभा पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया, जो हमारे जितने संवैधानिक व्यवस्था है सबको इन्होंने अपमानित करने, उसे कमजोर करने का प्रयास किया, लोकसभा को बोला, यहां तक बोला इन लोगों ने कि दारू और पैसे के बल पे पब्लिक को वोट लेकर के ये लोग चले आते हैं लोकसभा, और हम कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। अन्ना को यूज किया, बीजेपी को यूज किया, कहा उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं, मुझे ये ठीक करना है, और ये सब गंदे लोग हैं। संदीप जी, दो दिन बाद आकर के फिर उसी, हम लोग बोलते थे ये एम्बेसस लोग हैं, उसी में आ गए, और इनके जिनको ये लोग बोलते हैं हम लोग दूध के धुले हुए हैं, इनके आधे से ज्यादा लोग चले गए, आधे से ज्यादा लोग को चार्ज, इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार किया है, वो घर जो करोड़ों का था 1 लाख में लिखा लिया, कोर्ट से सजा हो गई, पेनाल्टी लग गई,
प्रशांत भूषण जी यहाँ आउट ऑफ वे ले लिया, मेरे ख्याल से ये जो आप करते हैं वो आपके साथ ही करेंगे, वो हो रहा है वो मैं समझ रहा हूँ। हिमाचल में ले लिया ये तू तू मैं मैं, ये मुझे मालूम है, नहीं यही हिट एंड रन राजनीति हो रही है। आपकी इजाजत से संदीप पांडे बहुत देर से चुप बैठे हैं, संदीप जो चर्चा अभी तक हो रही है आपकी व्यू क्या है, क्या आरोप लगाओ तो साबित करने की भी जिम्मेदारी आप पर बनती है या दरअसल व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि आरोप लगाकर उससे आगे बढ़ जाओ, इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है? नहीं, मुझे लगता है कि ये स्वतंत्रता है अरविंद केजरीवाल के समूह को कि वो किस तरीके से चीजों को ले। वो इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामले उजागर कर रहे हैं देश के सामने, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे अफसोस आज सिर्फ अखिलेश प्रताप सिंह जी की बातों को सुन के थोड़ा सा ये हुआ कि न सिर्फ भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है बल्कि अब ये कहा जा रहा है कि इसमें हमें कोई शर्म भी नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा ने 50 लाख रुपए से 300 करोड़ बनाने में किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया तो कृपया करके ये तरीका इस देश के हरेक गरीब को बता दीजिए ताकि जो 77% हजारों लोग हैं कि जिन लोगों ने इतनी रकम से इतनी रकम बनाई है सब वेबसाइटें पे हैं, जो केजरीवाल जी ने कागज दिए हैं वो सब वेबसाइट के पास है, हमें दे दीजिए, मैं भी सीखूंगा, पूरे देश का भला हो जाए, सीखना चाहता हूं, नाम लेना चाहता हूं, पैसा कमाता हूं, मैं यहां नाम लेना चाहता हूं आपके नेताओं का, आपके संदीप मैं आपके पास आता हूं, थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। में बात कर रहे हैं हिट एंड रन राजनीति की। अब ब्रेक में जाने से पहले डॉक्टर विश्वास, अखिलेश बाबू आप लोगों पर भी और लगातार जो आरोप लग रहे हैं चाहे वो प्रशांत भूषण की जमीनों के सौदे के लेकर हो या अरविंद केजरीवाल से स्पेसिफिक 27 सवाल पूछे थे दिग्विजय सिंह ने, आप कहते हैं अरे ये तो सवाल जवाब देने लायक, वेबसाइट बता देते हैं, ये जवाब देने लायक नहीं है। आप दुनिया भर पर आरोप लगा दो, उनके जवाब आप मांगते रहो और आप पर आरोप लगे आप जवाब नहीं देंगे। मैं वेबसाइट बता देते हैं, तीन डिक्लेरेशन तीन मिनट के दूंगा जो जिसमें काफी कष्ट होगा अखिलेश जी को, इसलिए पहले क्षमा मांगता हूं। पहली बात तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का जो कथन है कि भाई मैं ऐसा मानता हूं कि इनकी व्यवस्था से मैं सहमत नहीं हूं, डॉक्टर स्वामी के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ मैं कहना चाहता हूं हर आदमी के लड़ाई के अपने मानक होते हैं, अपने तरीके होते हैं, उनका जो मानक है उनका तरीका है, उनसे उनकी सहमति है, जो हमारा मानक तरीका है उससे हमारी सहमति है। हमने कभी यह नहीं कहा कि डॉक्टर स्वामी का तरीका गलत है, उनका भी बहुत अच्छा है और एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम उन्हें सैल्यूट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां तक इनकी तीन की बात है, हमने पहले दिन से कहा है बार बार कि एसआईटी बिठाइए, तीन महीने के अंदर प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास सबके खिलाफ एक कार्रवाई करिए, जो सजा आपके कानून के प्रावधान में उसमें दुगनी हमें दीजिए। ये भागते क्यों हैं, ये बनाते क्यों नहीं है? अरे अपने राष्ट्रीय दामाद के खिलाफ नहीं बना सकते तो हम आम आदमी के खिलाफ तो बना दो, एक एसआईटी तो बनाओ, देश को पता चले कि कैसे कानून का पालन होता है और कैसे उल्लंघन होता है। हम इनमें और हमें यही अंतर है, हम कागज दिखाते हैं इसके पीछे एक कागज। नंबर दो, मैं दूसरे क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, मैं एक मिनट डॉक्टर विश्वास, ये जुड़ा हुआ है क्योंकि बीजेपी से जुड़ा हुआ है। आपके अध्यक्ष नितिन गडकरी पर आरोप लग रहे हैं, आरोप लगाए, शुरुआत इन्होंने की, उसके बाद वो सिलसिला आगे बढ़ता गया कुछ अखबारों कुछ चैनलों के जरिए। नितिन गडकरी का तर्क यह है कि भाई जांच करा लो, मेरी पूरी जांच करा लीजिए। अगर यही तर्क इंडिया अगेंस्ट करप्शन देता है तो फिर दिक्कत क्या है? फिर तो यही बात है भाई जांच कराओ। ऐसा एक मिनट संदीप जी, हम तो नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि जांच होनी चाहिए। देखिए थोड़ा समझने का है इसको, मैं एक अपने शब्दों में कहना चाहता हूं। इस समय जो माहौल है और वो आप जुमले भी बड़े सुनते हैं आजकल, हर विपक्षी दूसरे को कह देता है कि शीशे के घर में जो रहते हैं वो पत्थर नहीं फेंकते एक दूसरे पे। तो अब शीशे का घर है, पब्लिक देख रही है, वो मतदाता है, शीशे के घर के अंदर हम सब लोग हैं। हम लोगों का भ्रष्टाचार से लड़ने का क्या आचरण रहेगा इसका निर्णय करना चाहिए। मैं दो प्रकार के कहना चाहता हूं, एक तो भ्रष्टाचार का उजागर कर रहा है एक संवैधानिक संस्था कर रही है, संवैधानिक संस्था आरोप लगाती है किस पे, कोई जो पद पे बैठा हुआ है सरकारी पद पे, तो क्या करना चाहिए उसका आचरण होना चाहिए, पद से हटे, जांच पे होने दें, उसके बाद देखेंगे। एक दूसरा होता है जो असंवैधानिक है, मीडिया ले लेता हूं, वो आप पे आरोप लगाते हैं मगर आरोप लगाते हैं जो कि पद पे नहीं बैठे हैं सरकारी पद पे, रॉबर्ट वाड्रा हो गया, गडकरी जी, वैसे मैं एक एग्जांपल पे ले आता हूं। क्या करना चाहिए, आप जांच बैठा, क्योंकि पद पे तो है नहीं,
और कोई उस जांच के, क्योंकि कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, कोई कैग नहीं है, कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी नहीं है कि, या सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, पर किसे लगा है, लगा है तो आप उस पर जांच करिए। जांच करने के बाद कहीं वो आरोप सिद्ध होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो एक मापदंड होना चाहिए। इस मापदंड पे मैं ये पूछना चाहता हूं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चल रही है बीजेपी के अलावा? देखिए इस समय ये एक बार में सब एक लास्ट बात रह गई, जांच क्यों ना हो जाए, ये मान के चलिए हिट एंड रन राजनीति खत्म हो जाएगी कि आरोप लगते हैं तो जांच के लिए कहे आधार पर, उस आधार पर, देखिए मैं एक बात आ रहा हूं, उस आधार पर जो लोग आरोप लगा रहे राहुल गांधी जो लोग आरोप लगा रहे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? यहां पे इतनी संस्थाएं हैं जांच की, उसको ये लोग नहीं मानेंगे। हमारा कहना है कि जो आप मीडिया को तो जांच ही नहीं होती ना, आप लोग फिर देखिए जब जांच नहीं होती है तो आप कहा भी जांच भी करा लो और ये कहा कि जांच ही नहीं होती है। अखिलेश भाई बातों का मजाक दे रहे हैं, अखिलेश भाई आज आपको मुक्ति सारी पार्टी को मुक्ति दे रहे हैं। आप एक काम कर लीजिए, आप बुलंदशहर में सलमान खुर्शीद ये जो करप्शन वाले हैं यहाँ पे जरा करप्शन कम कर रहे हैं बुलंदशहर में। बोलने दे जबरदस्ती ना, ये एनआईसी नहीं है, ये एनआईसी नहीं है, ये मीडिया का मंच है, नहीं नहीं एक मिनट एक मिनट, ये एनआईसी नहीं है, सबको मौका मिलना चाहिए, बराबर मौका मिलना जी। अपने इन्होंने कहा जांच करानी चाहिए, फिर जब जांच होनी चाहिए कहने जांच आप ही करेंगे, क्यों जांच हो जाएगी? एसआईटी नहीं नहीं, ये सुनिए अब एसआईटी बनेगी तो कहेंगे एसआईटी की बात हुई थी, सीबीआई की बात हुई थी, आपको याद होगा इन लोगों ने कहा ये भी तो इसी सरकार इसी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, एसआईटी को नहीं कहा, नहीं सुनिए तो जब सीबीआई का आप इतने एक समाजवादी पार्टी और फिर भाई आप उस पर चले गए सीबीआई के आधार पर, आप अपनी अपने कंट्रोडिक्टरी बातें आप कर रहे हैं। आप अगर कोई कागज दे रहे हैं वो भले वो सरकारी वेबसाइट पर, ये फिर से वही नहीं 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 एक मिनट, उन कागज भले सरकारी वेबसाइट के कागज आप बांट रहे हैं उतार करके और तो उसको आप एक लिफाफे में रखिए और एक रजिस्ट्री कर दीजिए, मना कर दिया मोदी साहब ने, कह दिया रजिस्ट्री कर दीजिए ना, रजिस्ट्री कर दीजिए इन आरोपों का एक खतरा ये बात आरोप लगाए जाएं, साजिशन आरोप लगाए जाएं, अब सब आरोपों पर एसआईटी बिठा दी जाएगी क्या? सब आरोपों की क्या जांच होनी चाहिए? करप्शन क्या उसको बैठी, हमारी व्यवस्था क्या चरमरा सकती है, रास्ता क्या निकलता है? सुब्रमण्यम स्वामी साहब हम सब में मेरे ख्याल से इस बारे में ज्यादा जानकार है, इनके पास मैं लौटूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात कर रहे हैं नए चलन की, हिट एंड रन राजनीति की, आरोप लगाओ चलते बनो और लोग सोचते रह जाएं कि अब क्या किया जाए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो ये चलन है क्या ये देश के प्रजातंत्र के लिए एक अच्छा साइन है या फिर इससे काफी दिक्कतें आ सकती हैं? क्योंकि अब आप आरोप लगाने लगो, दूसरी तरफ से आरोप लगेंगे, आदमी कंफ्यूज होता रहेगा, फिर सिर्फ आरोप होंगे और कुछ नहीं होगा। जी वैसे मैं जब इस 2G मामला मैंने लिया था तब मैंने देखा देश में एक निराशा है कि कोई पकड़ा नहीं जाएगा, ये सब राजनीतिक खेल है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, कुछ होना नहीं है। एक आस्था भी जो हमारी डेमोक्रेसी पर वो भी हटने लगी। उस समय मैंने ये सोचा कि इस मामला को हम दिखाएं कि इस प्रणाली में काम किया जा सकता है और इसीलिए लाइसेंसेस कैंसिल हुए, सैंक्शन के लिए प्रधानमंत्री तक सफाई देना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में कई चीजें हुई जिससे एक नया माहौल पैदा हुआ है। अब कांग्रेस का तो हमें पता है, वो सरकार में बैठे हैं, वो अपने ऊपर तो केस डालने वाले नहीं है, इसे स्वाभाविक है। दूसरा है कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन है उनका जो सिद्धांत है वो उन्होंने अभी बाहर नहीं निकाली, इधर इधर थोड़ा मुझे पता लगा है बातचीत करके, जैसे वो कश्मीर को कहते हैं कि इंडिया का हिस्सा नहीं रहना चाहिए। ये लोगों को पता होना चाहिए कि इनकी सिद्धांत क्या है। भ्रष्टाचार में जिस तरीके से लड़ रहे हैं, मैं उनकी आजादी पर कोई अंकुश नहीं लगाने चाहता हूं। लोगों का समर्थन भी मिल रहा है इन्हें, वो अलग बात है, लोगों के समर्थन में मिले ना मिले उस पर मैं नहीं हूं, मैं तो लोकतंत्र के समर्थन के लिए काम कर रहा हूं। लोग को समझाने की बात होगी, लोग यदि इस राजनीति को पसंद करेंगे तो मैं कहूंगा कि इनकी सारी बातें
जो कुल मिलाकर देखेंगे तो ये आज की व्यवस्था को एक मनहानी करने चाहते हैं, ऐसा मैं समझता हूं। उसको डिफेम करके एक दूसरा व्यवस्था चाहते हैं। इसके पीछे संदीप कहीं एक बड़ी वजह ये तो नहीं कि ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले जो हैं ये दरअसल एक T20 मैच खेल रहे हैं। अब इन्हें अगले साल दिल्ली में चुनाव लड़ना है, 18 महीने रह गए, अगर वक्त पर चुनाव होते हैं तो इनको आनंद फानन में साम दाम दंड भेद सारे ब्रह्मास्त्र एक साथ ये छोड़ते जा रहे हैं। एक तीर रात चलाते हैं, अगले दिन एक और तीर चलाते हैं। ये लोकप्रियता हासिल करने के लिए, और मैं सस्ती जिम्मेदारी के साथ ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कहीं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक हथकंडा तो नहीं बना लिया है इन्होंने इस हिट एंड रन राजनीति को? नहीं, देखिए, ये जो भी अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। अरविंद कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो हल्के फुल्के आरोप किसी के ऊपर लगाएंगे, उनके पास पुख्ता सबूत हैं। मुझे लगता है कि देश में पहली बार जो उन्होंने किया है कि शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार को चुनौती दी है, तो कम से कम इस देश के राजनीतिक दलों, जिनको की आदत नहीं है कि वो लोकतांत्रिक ढंग से काम करें, जो चुने तो जाते हैं जिनके प्रतिनिधि जनता द्वारा, लेकिन फिर वो बन जाते हैं किसी और के प्रतिनिधि, अपने पार्टी हाईकमांड के या किसी पूंजीपति के या किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के, तो कम से कम इन नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो कोई अभी नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वो इसी जो हमारा संविधान है जनता में जवाबदेह है। सिद्धार्थ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं आपकी बात पर। सिद्धार्थ, संदीप जी, देखिए, भ्रष्टाचार इस समय हर जगह आ गया है, हर क्षेत्र में आ गया है, मगर मैं ये भी कहता हूं कि इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है कि कोई 100 मीटर की रेस है कि भाजपा पहले पहुंच जाए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन पहुंच जाए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी पहुंच जाए या मीडिया पहुंच जाए, इसकी कोई नहीं है। लेकिन इस समय एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि उसमें हमें इंप्रूवमेंट लाना है, मगर उस इंप्रूवमेंट में लाते समय जो आप हिट एंड रन कह रहे हैं उसमें जो एक कठिनाई जो दिख रही है मुझे, वो कठिनाई यह है कि आप तथ्यों के आधार पर जब नहीं लगाओगे, जब तथ्यों के आधार पर नहीं लगाओगे तो एक सिनिसिज्म और फैलता जाएगा। जो मतदाता है, जनता है, वो बहुत इस समय परेशान है भ्रष्टाचार से, वो चाहती है उस परेशानी को क्या ये आप और बढ़ा रहे हैं, ठीक से नहीं गाइड करेंगे तो नुकसान होएगा इस देश का। इस देश में मैं कहता हूं समाज के साथ अभी भी आप छिद्रा सबूत के साथ जाइए और फिर लगाइए। निवेशन सर्वाइव नहीं करता है, कभी छिद्रानवेशी समाज के आदर्श नहीं बन सकते हैं जब तक आपके पास पॉजिटिव दर्शन नहीं होगा, जब तक लोगों को कीचड़ उछाल करके आप मजमा और तमाशा लगा सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन वो आपके अनुयायी नहीं बन सकते हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो जब तक आप इस देश को वो आईना नहीं दिखाएंगे कि हम क्या हम तो आपको दिखा रहे हैं। चलिए हम आपसे सवाल लेते हैं, एक मिनट जी। सवाल सुब्रमण्यम स्वामी जी से है। सर, डीएलएफ के अलावा ऐसा भी हो सकता है और भी जीडो स्कैम्स हों, ऐसे में क्या रॉबर्ट वाड्रा की पूरी संपत्ति की जांच होनी चाहिए? क्योंकि सर समझा यहां पर जा रहा है कि हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है, हम भूल जाएंगे और सब कुछ निपट जाएगा। जी, इसी से जुड़ा एक और सवाल ले लेते हैं यहां पर। मेरा जो क्वेश्चन है कांग्रेस स्पोक्स पर्सन से है कि कांग्रेस इतना ढीला रवैया क्यों अपना रही है, एक के बाद मतलब सारी ही चीजें गलत हो सकती हैं, कम से कम और कुछ नहीं है। बहुत से स्पोक्समैन को मैं देखता हूं कि मान लीजिए किसी ने बेस्ड पेपर्स के दिए और आरोप लगाया, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना सोचे समझे, नहीं इसमें तो कुछ बात ही नहीं है। अरे देख तो लीजिए उस चीज को, इतने स्कैम्स हो चुके हैं कि लिमिट क्रॉस हो चुकी है जी, तो कुछ भी निकल रही। बेसलेस कहने के पहले उसको मैं ये वड्रा का विषय एक साल पहले उठाया था, उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स में आया, वही विषय अभी इन्होंने उठाया है। मैं ये कहता हूं कि मेरी क्षमता जो है वो एक प्राइवेट सिटीजन का है, तो एक बात को लेकर आंखी तक पहुंचाएं, उसके बाद दूसरी बात लें। इस दृष्टि से हम काम करते हैं। एक इशू उठाइए, एक का पर्दाफाश कीजिए, फिर आगे जाइए। आप एक साथ इतने मोर्चे क्यों खोल रहे हैं? देखिए संदीप जी, दो बातें मैं कहता हूं। तो डॉक्टर स्वामी ने जो कहा कश्मीर पे स्टैंड है, ये बेसलेस है। डॉक्टर स्वामी एक पढ़े लिखे आदमी है, अभी भ्रष्टाचार परिवार में आरोप पर गलत कह रहे हैं, कश्मीर पर ये लीडर स्टैंड नहीं है। सुनिए चौधरी साहब, अंतर हो जाए, परेशान क्यों है, हमें बोलने दीजिए। डॉक्टर विश्वास घुस के अंतर हो जा रहे हैं, वही मैं कह रहा हूं। नहीं, इनके अंतर क्या, उस लीडर के कमरे में घुस के हाथापाई की थी लोगों ने, उन्होंने ये बयान दिया था दिल्ली में ही। और उस पर भी बात करेंगे, अभी मुद्दे पर रहते हैं। चुप जी, रख पकड़ ली इन्होंने, दुबारा को तकलीफ हो रही है। अखिलेश जी के सारे तर्क एक तरफ से परास्त कर रहा हूं। अखिलेश जी कहते हैं कि तथ्य तो लेके आइए,
सलमान खुर्शीद साहब ने हियरिंग एड लगाई 2011 में गजराज सिंह को बुलंदशहर में, पूरी कांग्रेस ओबामा रोमेनी नासा के साथ मिलकर गजराज सिंह को ला दे, क्योंकि 2009 में गजराज सिंह दिवंगत हो चुके हैं, तो हम इनसे पैर छू के माफी मांग लेंगे, आप हमें उसे ला के दे दीजिए। जी एक और सवाल ले लेते हैं। जी मेरा प्रश्न सिद्धार्थ जी से है कि हमारे देश में जो पक्ष और विपक्ष की टॉम एंड जेरी वाली राजनीति थी, आजकल वो पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष तीनों की टॉम डिक एंड हेडी वाली राजनीति हो गई है, उसमें विपक्ष का क्या रोल है? आप दोनों मिले हुए हैं, ये सीधे सीधी भाषा में कहूं तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। कहीं आपको याददाश्त आपकी अच्छी होनी चाहिए, युवा है। 2G का मसला उठाया गया, 2G के मसले के ऊपर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने PIL किया, कोर्ट में गए, पार्लियामेंट के अंदर क्या रुख होना चाहिए, हमने एक JPC बनवाने के लिए पूरा एक सेशन नहीं चलने दिया, मत JPC बनी। आज हम लोग लगे हैं कि प्रधानमंत्री और चिदंबरम साहब को JPC के सामने पेश होना चाहिए, कांग्रेस लगी हुई है, मगर वो नहीं हो पा रहा। JPC पार्लियामेंट नहीं चलने दी, वो JPC पार्लियामेंट इसलिए नहीं चलने दे रहे हैं क्योंकि कोलगेट में आपके प्रधानमंत्री अंदर जाने वाले हैं। सिद्धार्थ क्या ये सच नहीं है कि BJP का एक बड़ा तबका वाड्रा का जो खुलासा किया था पिछले साल और 14 मार्च 2011 को एक संदीप जी पूरी बात आपके दर्श तो मैं समझ गया, ये बात आपकी बात समझ चुका हूं, जो नहीं समझे ना उनको तो समझा दूं, आप तो समझ गए, आप बहुत समझदार हैं। 14 मार्च 2011 को इकोनॉमिक टाइम्स में भी आया, क्या ये सच नहीं है कि BJP का एक बड़ा तबका या एक तबका ये कह रहा था कि नहीं नहीं अरे मत उठाओ, ये घर की बातें नहीं उठानी चाहिए, किसी के रिश्तेदार पर भैया मत उठाओ, पहले पूरी बात सुन लीजिए। और आज की तारीख में दिग्विजय भी यही कह रहे हैं कि अरे हमें भी पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के फॉस्टर दामाद क्या करते थे, लालकृष्ण आडवाणी के रिश्तेदार क्या करते थे, हमने तो कभी नहीं उठाया, सबूत है, दूंगा नहीं। तो ये कोजी रिलेशनशिप है वो दिग्विजय सिंह से कांग्रेस ने, मैं आपको बड़ा आदरपूर्व जवाब देता हूं, दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, मगर संदीप जी आप तो बहुत बड़े अच्छे पत्रकार भी हैं, एंकर भी हैं, आपका चैनल इस देश में बहुत मजबूत भी है, सब लोग देखते भी हैं। क्या हुआ था जब ET में आया था तो आपने क्यों नहीं उठाया उस सब, आप क्यों पीछे रह गए, आप क्यों पीछे रह गए? बिल्कुल पॉइंट, अब मैं बताता हूं, अब मैं जवाब देता हूं आपको, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। पहले तो ये आपकी जानकारी होगी, हमारी नहीं है कि कौन सा तख्ता था या नहीं था या कौन से ग्रुप था हमारा, मगर उस समय 2G का मसला बहुत ऊंचा उठा हुआ था, कॉमनवेल्थ का मसला बहुत ऊंचा उठा था, विश्वास जी सिर हिला रहे हैं, मैं विश्वास जी उस समय आए भी नहीं थे ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आया था, ये तो अन्ना के सिर पे बैठ के आए थे, इनकी एक सेकंड मैं ये कोजी कोजी रिलेशनशिप है क्या अखिलेश बाबू, तो कांग्रेस BJP की बड़े दलों की कि आपस में ही है। देखे हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी है, 125 साल के हैं, हम लोग देश को आजाद करें, हम लोग देखते हैं कि कैसे कितना देश को कैसे आगे ले जा सकता है। मैंने बताया ना कि भ्रष्टाचार में कैसे ले जाए आगे, सिर्फ करप्शन करके भ्रष्टाचार में कैसे आगे चलेगा, सिर्फ झूठ बोल के मिथ्या प्रचार करके, एक आदमी उसके 10 प्रवक्ता ख्वाब देखते हैं कि हम पूरे देश को समझा देंगे, अरे राजनीति देखते हैं पूरे देश को क्या देखना चाहते हैं, खुद ये आने दो, ये दम बता रहे हैं कि हमने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, हमने कमेटी बनवाई, GPC बनवाई, JPC बनवाई, लेकिन उस कमेटी में जाते नहीं है कहने के लिए कि क्या करना है, JPC नहीं नहीं बनवाई, जैसे भी बनवाई, संसद नहीं चलने दिया, उसके कारण इन्होंने बड़े दम के साथ कहा कि हम लोगों ने पार्लियामेंट नहीं चलने दी, JPC बनवा के दम मारी, चलिए भैया लेकिन उसमें जाके अपनी बात करो, उस JPC में जाते नहीं है, कोई बात नहीं, मेंबर को देखेंगे, मतलब ये कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है, किसी चीज को अंजाम पे ले जाना नहीं, या कुछ है नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद मैं आखिरी पड़ाव है, क्योंकि अहम सवाल, आखिरी सवाल, क्या ये समुद्र मंथन चल रहा है जिसमें अभी विष बाहर निकल रहा है और बाद में अमृत भी आ सकता है, या दरअसल ये विषैली राजनीति देश का मंचाधार भी कर सकती है? ब्रेक के बाद राजनीति की बात कर रहे हैं, अंतिम पड़ाव है, एक दो सवाल मैं और ले लेता हूं जी। मेरा सवाल ये है कि अगर ये लोग गिल्टी प्रूव हो भी जाते हैं कोर्ट में, जो गांधी फैमिली है, तो उनको किस तरह की पनिशमेंट मिलेगी? मेरे ख्याल से उन्हें बहुत सख्त पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो देश को बहुत हार्म कर रहे हैं। जी एक और सवाल।
सर मैं बोलना चाहूंगा कि ये आप लोग केजरीवाल पे एलिगेशंस लगाते हैं और आप उन्हें स्वार्थी कहते हैं, पर सर ये तो एक डेमोक्रेसी है और पारदर्शिता उन्हें ने दिखाई है, आप लोगों ने तो कोई दिखाई नहीं है, और तो आप कैसे वो स्वार्थी, आप लोग कैसे स्वार्थी, पारदर्शिता होनी चाहिए, ये सही है देश के लिए। अन्ना जी ने कहा, ये पावर ग्रीडी है। देखिए जब वो आए बनाने के लिए एक कानून के लिए, सरकार ने उन्हें सम्मान दिया और वो कहे कि हमारा सिर्फ ये एजेंडा इस तरह से होगा, हम एक सोशल वर्कर हैं, हमको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब वो पॉलिटिकल ब्लेम उन पर लगते रहे कि ये पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं, इनका कोई एजेंडा नहीं है, फिर वो साबित हुआ कि उनका वो एजेंडा नहीं था, हिडन एजेंडा था, वो तो पॉलिटिक्स में आने के लिए अपनी पब्लिसिटी के लिए दर्शन स्वार्थी क्योंकि राहुल गांधी गा रहा है गरीबी हटाओ गरीबी, सिद्धार्थ क्या बात करते रहते हैं, गरीबी हटाओ, सिद्धार्थ 25 सेकंड आपके पास, ये चलन सही है, देश मजबूत होगा कमजोर होगा। देखिए भ्रष्टाचार उजागर होना चाहिए और कहीं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो लड़ाई है उसमें जो सरकार पे आरोप लग रहे हैं उसको सिद्ध करने में आपको लोकतंत्र के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं अलग से उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और बिना पुख्ता सबूत के आप लगाएंगे उसके बाद आप उसको आगे नहीं ले जाएंगे वो गलत होएगा। वहां पे जो पब्लिक है ना, पब्लिक फिर बोलती है कि अब किसी पे हम पे भरोसा नहीं। कुमार विश्वास, देखिए एक तो मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी को एश्योर करना चाहता हूं आज आपके शो में कि भ्रष्टाचार किसी का भी हो उसके लिए वो लड़ेंगे, इसका अवसर हम आने वाले 3-4 महीनों में उन्हें देंगे अक्रॉस द पार्टी लाइन। कुछ ऐसी पार्टी जिनके प्रति वो सॉफ्ट है उनके भी सीवियर भ्रष्टाचारों के लिए लड़ेंगे, ज्यादा भी व्यवस्था कर दीजिए एक दिन में। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, 10 सेकंड रह गए, मैं बिल्कुल 10 सेकंड में कहना चाह रहा हूं कि हम ये नहीं चाहते इस बार कि किसी एक के प्रति आक्रोश का मुकाबला करके कुछ पुराने लोग आ जाएं जो ताबूत खा चुके हैं, पुराने लोग आ जाएं जो चैनल पर दिख चुके हैं और उसी व्यवस्था का शोषण करें। और जो अखिलेश जी बात कर रहे हैं, आपकी खामोशी से कुछ नहीं चलेगा, आपके प्रधानमंत्री के शेर को पलट के पढ़ो कि हजारों सवालों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने दलालों की आबरू रख ली, इस तरह बढ़िया। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, क्या हम सही राह पर जा रहे हैं? अब तो कह रहे मैं आखिर में आऊंगा, बिल्कुल आप आखिर। अच्छा ओके, मुझे भी बोलना है। मैं तो ये मानता हूं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जो संघर्ष हो रही है वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है, और इसीलिए जो जिस तरीके हम अपनाएंगे वो लोकतंत्र को मजबूत करनी चाहिए। ये जो नया पीढ़ी है, हो सकता है कि लोकतंत्र के बिना रहकर कैसा हाल होगा आप जानते नहीं है। हम लोग जिन लोगों ने आपातकाल के भुगता है वो देखा है, उससे जानते हैं कि लोकतंत्र कितना प्रिय है हम लोगों के लिए। इसीलिए आज मैं यही कहूंगा कि वही तरीके अपनाए चाहिए जिससे लोगों का आस्था लोकतंत्र में बढ़े कम ना हो। जी 10 सेकंड में देखिए, भ्रष्टाचार से कौन नहीं चाहता है कि उसे दूर किया जाए, लड़ा जाए, लेकिन ये एक दूसरा भ्रष्टाचारी है, हम ही ईमानदार हैं, हम ही सच्चे हैं, हम जो कह रहे हैं वही कानून मान लिया जाए, ऐसे विश्वसनीयता नहीं बनेगी। यानी कि सबको साथ चलना होगा, आपको निष्पक्ष भाव से, आपको निष्पक्ष भाव से, ये लड़ाई लक्ष्मण जी, वही बात मैं कह रहा था, बंगारू लक्ष्मण जी अगर कैमरे पे घूस ले रहे हैं तो उनको बचाने का प्रयास किया जाएगा, जो 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 बंगारू लक्ष्मण जी कैमरे पे घूस लेंगे राहुल गांधी उनको बचाने का प्रयास करेंगे, और सभी को साथ चलना होगा। ये सिर्फ राजनीतिक दलों की बात नहीं कह रहा था, ये जो समुद्र मंथन चल रहा है इसमें जनता जनार्दन को भी आगे आना होगा, और विष निकल रहा है, थोड़ा लग रहा है कि दरक सकता है हमारा प्रजातांत्रिक ढांचा, लेकिन इसे मजबूत करना है तो भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद नहीं तो कम से कम कम तो करना होगा। इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।